हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के टॉपिक पॉलिनोमियल्स के थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स रेस टू 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, वेरी इजी प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लेता हूँ मैं, एक्स रेस टू 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जिसमें फर्स्ट वन कह रहा है कि x प्लस 1 लेना होगा। ओके, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो उसको हम बाइजिंग द रिमाइंडर थ्योरम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं। और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो ये x की वैल्यू हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमें, ये जो दी गई पॉलिनोमियल है उसमें हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पी ऑफ एक्स लेता हूँ मैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेंगे पी ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस 1 लेंगे, बस इतना ही, ज़्यादा क्या मुश्किल नहीं है। तो माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, लीजिए इसको सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स। ठीक है, माइनस 1 3 टाइम्स, तो क्या हो गया, हो जाएगा माइनस 1 ही होगा। ठीक है, अगर समझ में ना तो चेक कीजिए, माइनस 1 3 टाइम्स का मतलब है माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, इसलिए माइनस 1। ठीक है, तो प्लस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर ये होगा प्लस 1। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 3 1 ज़ा 3 और माइनस 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल कीजिए, ए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर 0। तो पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीजिए सेकेंड वन। अब यहाँ पर एक्स माइनस इज डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पर एक्स माइनस 1/2 था, तो इज इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस 1/2, ये प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब यही वैल्यू लेकर हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इसका पावर 3 है, और यहाँ पर 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 3 इंटू 1/2 और यहाँ पर प्लस 1। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1/2 हमने डाल दिया, तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लेंगे, प्लस 3 इंटू 1 ऑफ स्क्वायर इज़ 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना, ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3/4 और यहाँ पर 3/2 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 1 का मतलब है 1। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स 8 4 2 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर लेता हूँ मैं एलसीएम ऑफ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 4 2 एंड 1 इज कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं और इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू इसका इन सभी का डिनोमेटर कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर इधर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 8 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 8 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 8 आने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम डिनोमेटर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर 1 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमें न्यू वैल्यूज़ क्या मिल रही है, 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू
वन प्लस सिक्स सेवन, और सेवन प्लस ट्वेल्व नाइनटीन, और नाइनटीन प्लस एट ये हो गया 27। तो आंसर हो गया 27/8। तो पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 27/8। चेक कीजिए, थर्ड क्वेश्चन को लेंगे। थर्ड यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय यक्स, यहाँ पर कह रहा है कि यक्स है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड वन में यक्स, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट हम ज़ीरो लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी ज़ीरो लेंगे। तो पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 और प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है यहाँ पर 0 का क्यूब 0, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0, और यहाँ पर 3 × 0 0, और यहाँ पर 1। तो टोटली यार फाइनली हमें यहाँ पर आंसर मिलता है पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेरी इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ वन देखिए यहाँ पर इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई आएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव। तो लीजिए यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इज इक्वल टू, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी माइनस पाई आएगी इज इक्वल टू माइनस पाई 3 times, यहाँ पर 3 × π² और यहाँ पर 3 × π और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू माइनस पाई की क्यूब प्लस यहाँ पर 3π² और यहाँ पर 3π + 1, ठीक है, यही इसका सोल्यूशन, फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फिफ्थ वन देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 + 3x² + 3x + 1, ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x, यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो एक्स टू एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 5 - 5 हो गया, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू -5/2 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हमें लेनी होगी। तो पी ऑफ -5/2 लेने पर इज इक्वल टू -5/2 होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस का क्यूब माइनस में रहता है और 5 का क्यूब 125, डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना 8, और यहाँ पर प्लस 3, इसको यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 4, उसी तरह से यहाँ पर प्लस इनटू माइनस माइनस 3 × 5 = 15 और डिवाइड बाय 2, यहाँ पर प्लस 1, ठीक है प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -125/8, ठीक है, और प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इनटू प्लस प्लस और 25 × 3 = 75/4, 75/4, यहाँ पर -15/2 और प्लस 1, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर 1 मतलब डिवाइड बाय 1। देखिए यहाँ पर ये एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, 8, 4, 2, 1 है, तो एलसीएम ऑफ 8, 4, 2 and 1 इसका एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 होने के लिए यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 8 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8 होता है, और 1 × 8 = 8 होता है, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या था, पी ऑफ -5/2 इज इक्वल टू, इसका टोटल डिनोमिनेटर क्या 8, यहाँ पर क्या हो गया -125 और 75 × 2 करने पर हमें मिलता है 150 और -15 × 4 = 60 + 8 = 8, ठीक है। तो
इसका इज इक्वल टू -125 +150 -60 +8, ये होता है -27 डिवाइडेड बाय 8, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी इजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है कि वेरिएबल एक्स, यहाँ पर तो पी ऑफ एक्स दिया गया है इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस ए इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर इस डिवाइडेड बाय कह रहा है कि माइनस सॉरी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए अगर हम यूज़ करेंगे तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए प्लस ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह का यूज़ करते हुए हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ए यहाँ पर, तो इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए लेंगे तो ए क्यूब हो गया माइनस ए इंटू एक्स का मतलब ए और इसका स्क्वायर है और यहाँ पर सिक्स इंटू ए माइनस ए। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए भी ए क्यूब हो गया और यहाँ पर सिक्स ए माइनस ए हो गया 5a। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 5a, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5a होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ +7x। ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल कह रहा है कि पॉलिनोमियल है यहाँ पर 3x³ +7x। ओके, इस पॉलिनोमियल का 7 + 3x एक फैक्टर होता है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। ओके, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि फैक्टर है, अगर यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे और इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो कहेंगे ये 7 + 3x एक फैक्टर है पॉलिनोमियल 3x³ +7x का, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 7 + 3x इस तरह से दिया गया है, तो इसको मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करूँगा तो इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू ये +7 -7 हो गया और x इज इक्वल टू -7/3 होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू एक्स की हमें मिल रही है वो यहाँ पर हमें लेना होगा, इस ऐसे सिस्टम में हम इसी तरह से हमने सॉल्व किया तो -7/3 इज इक्वल टू 3 × -7/3 3³ +7 × -7/3। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस और 7³ 343 और 3³ ये होता है 27। ठीक है, और +7 देखिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 7 = 49 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, लेकिन इसको फिर सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू माइनस 3 × ये जो 3 है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 1 3 और 3 9 27, तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 343 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पर 49/3। देखिए यहाँ पर 9 और 3 का डिनोमिनेटर एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम 9 मिल सकता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 343 और -49 × 3 अगर हम करते हैं तो 9 3 27 और 4 3 12 13 14। ठीक है, 147 होगा, 147 और इसका डिनोमिनेटर एलसीएम कितना 9 आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है -343 -147 इज़ इक्वल टू -490/9। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल -7/3 का कितना आ गया, -490/9 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, द फैक्टर इज नॉट ए, द गिवन फैक्टर इज, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 7 + 3x जो कि दिया था चेक करने के लिए, 7 + 3x इज नॉट ए
फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल टॉपिक का थर्ड एक्सरसाइज रहा। थैंक यू।